हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न इंडिया ऑफिशियल। आप लोगों को मैं झारखंड वस्तुनिष्ठ उड़ान पब्लिकेशन बुक से ऑब्जेक्टिव करा रहा हूं, जिसमें झारखंड के सभी ज़िले को लिया हूं और मैं ये 23वां ज़िला करवाऊंगा, गोड्डा ज़िला। ओके डियर, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यही बुक है और ये सभी JPSC, JSC, इसका एक्साइज कॉन्स्टेबल, ये सभी के लिए उपयोगी हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये मेरा चैनल है लर्न इंडिया ऑफिशियल। ओके डियर, तो आप लोग से थोड़ा रिक्वेस्ट है कि मुझे सपोर्ट करें। ओके डियर, लर्न इंडिया ऑफिशियल, चलिए आगे चलते हैं। ये माँ के चरणों में समर्पित, यानी हम अपनी मेहनत माँ के सपनों को पूरा करने के लिए करेंगे। ओके डियर, चलिए आगे चलते हैं। सब्सक्राइब दिस चैनल डियर फ्रेंड्स। आगे स्टार्ट करते हैं। गोड्डा ज़िला को 23वां नंबर का है, और एक और बच रहा है पाकुड़, उसके बाद ख़त्म हो जाएगी। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि गोड्डा ज़िला निम्न में से किस प्रमंडल के अंतर्गत आती है। तो गोड्डा ज़िला संथाल परगना प्रमंडल के अंतर्गत आती है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगी। सेकंड नंबर में दिया गया है कि गोड्डा ज़िला की स्थापना कब की गई थी। तो गोड्डा ज़िला की स्थापना 1983 में की गई थी, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगी। आगे दिया है गोड्डा ज़िला का मुख्यालय कहाँ है। तो गोड्डा ज़िला का मुख्यालय अभी तो बताया उसी तरह से ट्रिक के माध्यम से गोड्डा ही होगा, ऑप्शन डी। गोड्डा ज़िला का क्षेत्रफल कितना है। गोड्डा ज़िला का क्षेत्रफल 2266 किलोमीटर स्क्वायर। ओके डियर, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगी। फाइव नंबर, 2011 के जनगणना के अनुसार गोड्डा ज़िला की कुल जनसंख्या कितनी है। कुल जनसंख्या 13,13,551, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगी। सिक्स नंबर में दिया गया है कि 2011 के जनगणना के अनुसार गोड्डा ज़िला का जनसंख्या घनत्व कितना है। तो जनसंख्या घनत्व हो जाएगी ऑप्शन सी, 580। ओके डियर, आगे चलते हैं। दिया गया है कि 2011 के जनगणना के अनुसार गोड्डा ज़िला का लिंगानुपात क्या है। तो लिंगानुपात 938 है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगी। एट नंबर में दिया है 2011 के जनगणना के अनुसार गोड्डा ज़िले की साक्षरता दर क्या है। तो इसका आंसर हो जाएगा 56.40%, यानी ऑप्शन ये करेक्ट। अब यहाँ मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि सबसे ज़्यादा साक्षरता दर वाला ज़िला कौन सी है, आप लोग कमेंट के माध्यम से बताएंगे। अगर पूरे वीडियो देखें तो आपको आंसर पता होगा। गोड्डा ज़िला के अंतर्गत कुल कितने अनुमंडल हैं। तो गोड्डा ज़िले के अंतर्गत कुल 2 अनुमंडल हैं, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगी। 10 नंबर में दिया गया है कि गोड्डा ज़िला के अंतर्गत कुल कितने प्रखंड हैं। तो गोड्डा ज़िला के अंतर्गत कुल 9 प्रखंड है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगी। 11 नंबर में दिया गया है कि गोड्डा ज़िला के अंतर्गत कुल कितने विधानसभा क्षेत्र हैं। तो कुल 3 विधानसभा क्षेत्र हैं, ऑप्शन ये करेक्ट हो जाएगी। 12 नंबर में दिया गया है कि निम्न में से कौन सी नदी गोड्डा ज़िले से होकर प्रवाहित होती है। तो गोड्डा ज़िले से प्रवाहित होने वाली नदी सुंदर नदी भी है, बांसलोई नदी भी है, मयूराक्षी नदी भी है, यानी ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि इनमें से कौन सा पर्यटन स्थल झारखंड के गोड्डा ज़िले में स्थित है। तो झारखंड के गोड्डा ज़िले में ऑप्शन ये करेक्ट हो जाएगी, 12 कोपा पहाड़ी, सिर्फ ऑप्शन ये। ओके डियर, चलिए 14 में दिया गया है कि इनमें से कौन सा धार्मिक स्थल गोड्डा ज़िले में है। तो माँ योगिनी मंदिर जो है, ये
ये गोड्डा जिले में स्थित है, और ये जो दोनों दिए गए हैं ये गोड्डा जिले में स्थित नहीं है। ओके डियर, आगे चलते हैं। 15 नंबर में है, इनमें से कौन सा खनिज गोड्डा जिले में पाए जाते हैं? तो गोड्डे जिले में ये कोयला भी पाया जाता है, सीसा भी पाया जाता है, और फेलस्पर भी पाया जाता है। ओके डियर, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगी। चलिए लास्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा कथन गोड्डा जिले के संदर्भ में सत्य है? तो बोलते हैं यहाँ फर्स्ट में, यह सर्वाधिक विधानसभा वाला जिला है। यस, ये सर्वाधिक विधानसभा वाला जिला है। और फिर यहाँ है कि यह सर्वाधिक अनुमंडल वाला जिला है। जी, ये भी सही है। और सी नंबर में दिया, यह सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जिला है। तो ये तीनों गलत है डियर, तीनों गलत है, यानी उपरोक्त में से सभी असत्य हैं। यहाँ बोला गया था क्वेश्चन सत्य में, हम थोड़ा अपोजिट समझ लिए थे, तो इसलिए ये तीनों गलत हैं। ओके, अब यहाँ से पता चलता है कि साक्षरता दर, मैं बता देता हूँ आंसर में, रांची हो जाएगा। ओके डियर, तो यहाँ ये ख़त्म होती है, और लास्ट में पाकुड़ जिला को करवाऊँगा, और उसके बाद सारे एक ही प्लेलिस्ट में रहेगी। तो आप लोग ज़रूर देखें पूरे वीडियो को, और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और सब्सक्राइब करें डियर फ्रेंड्स। थैंक्स।